लाइक करें और शेयर जरूर करें, ये जरूर करें। शोभा जगुड़ी, शोभा जगुड़ी, सब्सक्राइब करें। शोभा, हेलो गाइस, नमस्ते, मैं शोभा जगुड़ी और स्वागत करती हूँ आप सभी का टिहरी गढ़वाल के सुंदर से गांव ग्राम गैरी से। गाइस, हमने ये माल्टे पेड़ से तोड़ के लाए हैं और बहुत स्वादिष्ट हो रहे हैं, ज़्यादा खट्टे भी नहीं हो रहे हैं और इसका छिलका भी बहुत अच्छा होता है, इसका छिलका भी खाया जाता है। और ये देखिए कितना सुंदर व्यू है, अच्छी धूप खिल रखी है और हम बैठे हैं चाची लोगों के छज्जे के ऊपर। से निकल चुके हैं और अब हम जा रहे हैं भैंसला खाल, और मुझे अभी फोन दिया है भैंसला खाल से कि वहाँ यहाँ पे एक बहुत अच्छा मीटअप होने वाला है, तो अभी मिलवाती हैं आपको सबसे कि कौन कौन है वहाँ पे। तो मुझे अभी फिलहाल खुद ही पता नहीं कि कौन कौन है क्या है, तो आप लोग देखिए आगे कौन है भैंसला खाल के मेन मार्केट में। और ये यहाँ पे मिले हमारे सब्सक्राइबर, तो भैया कहाँ से आप? गाँव कहाँ है? अच्छा, थैंक यू भैया, हम पड़ोसी गाँव के। हाँ, क्या करते हैं? तो गाइस, ये भाई की दुकान यहाँ पे, और भाई परचून की दुकान है। हाँ, फ्रूट्स वगैरह भी रखे भाई ने, तो भाई को जरूर सेवा का मौका देना और आना भाई की शॉप पे, यहाँ से अच्छा सामान मिलता है, ब्रांडेड वैसे अच्छा मिलता है, तो भाई को सपोर्ट करना। तो गाइस, जैसे हम भैंसला खाल मार्केट में पहुँचे तो भाई हमें मिल गए, और भाई की शॉप की वीडियो तो मैंने आपको पिछले ब्लॉग में भी दिखा दी थी। तो भाई यहाँ पे कुछ हमारे सब्सक्राइब भी हैं, तो भाई उनसे मिलवाएंगे हमें, क्योंकि हमें मिलवाएंगे भाई, क्योंकि मैं तो जानती नहीं हूँ, मैं एक साल से आ रही हूँ इधर। बड़ी बात है। अच्छा, नमस्ते भाभी जी। तो हमारे चैनल में शोभा जगुड़ी ब्लॉग को देख लेना जरूर। भाभी जी की शॉप पे भी चलेंगे अभी। अच्छा, भाभी जी की शॉप है इधर? अच्छा अच्छा, बहुत बहुत बधाई भाभी जी, बड़े भाई को मिलेंगे पहले। ये भाभी जी की शॉप है, यहाँ भाई साहब बैठे हैं अभी। हाँ भैया, मैं जानती हूँ बहुत अच्छे से। ये हमारे बड़े भाई भाई जी प्रणाम। तो ये भैया के यहाँ पे शॉप है और यहाँ पे परचून का सारा सामान मिलता है, और बहुत पुरानी शॉप है ये, बहुत पुराने लाल हैं भैंसला खाल के। तो अब तो मेरी शादी भी नहीं हुई थी जब से भैया की शॉप है, तो भैया को तो मैं अच्छे से जानती हूँ, इनके बारे में तो परिचय कराने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो मेरे चैनल देख लेना आप लोग, सब्सक्राइब कर लेना और आगे शेयर भी कर लेना। हम जा रहे हैं भैया की शॉप पे और भैया मिलवाएंगे अब, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं, तो मैं किसी को जानती भी नहीं, तो भैया मिलाएंगे सबको एक एक करके। तो भैया बता देता हूँ, मेरा नाम नंदकिशोर पैनुली, मैं पूर्व मंडल महामंत्री रह चुका हूँ भारतीय जनता पार्टी प्रताप नगर से, हमारे पूर्व जिला पंचायत सदस्य रहे हैं आशीष कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और डीबीसी के उपाध्यक्ष भी रहे हैं, अनुसूचित जाति मोर्चा, अनुसूचित जाति मोर्चा के भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष रह चुके हैं, जिला उपाध्यक्ष। आप हमारे जयराम गैरोला जी हैं। हाँ जी। और ये तो खैर हिंदू महासभा से भी जुड़े हैं, लगे रहते हैं। हाँ जी बिल्कुल। और आप हमारे सुभाष शास्त्री जी रावत जी हैं, भैंसला से हैं। मैं जान लेती हूँ। और आप हमारे भंडारी जी हैं। हाँ। और आप हमारे सुमन रमोला जी, राजेंद्र रमोला जी, जनशक्ति का सुमन बहन जी के नाम है, बहन जी के नाम है सुमन। और आप हमारे जो है हरिका प्रसाद गैरोला जी है, प्रधान जी है ग्राम पंचायत गैरी की, ब्राह्मणों की, गैरी ब्राह्मणों की सभी जो है, और शिक्षक अभिभावक संघ राजकीय इंटर कॉलेज रमोद के अध्यक्ष भी है इस समय वर्तमान में, ये इंटर कॉलेज सभी जो है जुड़े हैं। आप हमारे अभी हमारे बीच में हमारी बहन शोभा जगुड़ी जी है, हरिद्वार से है, मंडल महामंत्री है युवा मोर्चा की, बहुत बहुत आगमन पर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि शोभा जगुड़ी का वाल सब्सक्राइब भी करें और उसके चैनल को भी लाइक करें। आप आए हैं, आपका अभिनंदन और स्वागत है। सभी सम्मानित यहाँ पर जिला पंचायत सदस्य जी हैं, सम्मानित हमारे प्रधान जी हैं, हमारे मीडिया प्रभारी हैं अनिल भंडारी जी हैं, अनिल भंडारी, और हमारे संजय पंवार जी हैं, हमारे युवा मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, सभी हमारे राजेंद्र रमोला जी हैं, हमारे भंडारी जी, हमारे रावत जी हैं, सभी लोगों का मैं अभिनंदन करना चाहता हूं। और सरकार को ये आपके चैनल के माध्यम से ये बोलना चाहता हूं कि जो युवा वर्ग है वो सरकार की तरफ देख रहा है,
कि कब हमारी नौकरी लगेगी, बैक टू वर्क जो ये काम चल रहा है उस पर आप विशेष ध्यान दें और जो योग्यता वाला है उस पर आप काम करें। और मैं धन्यवाद और मैं बहुत बहुत धन्यवाद शोभा जगुड़ी जी का करना चाहता हूँ कि आपके आप आए हैं आपके चैनल के माध्यम से हमारी सरकार जो है हमारी बातें जो है सरकार तक पहुँचे। समय हम बैठे हैं संजय पवार जी से, हमारे अध्यक्ष हैं युवा मोर्चा के। चलो आप आपके चैनल के माध्यम उससे हम भी बोल रहे हैं कि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत जी का एक शब्द आया है कि उत्तराखंड में जो कमीशन खोरी है वो चल रहा है, जबकि हमारे वर्तमान युवा मुख्यमंत्री धामी जी उस चीज को सुन रहे, लेकिन हम उनके समर्थन कर रहे पूर्व मुख्यमंत्री जी का। ये बहुत बड़ी दिक्कत है कि किसी ऑफिस में जाए तो बिना कमीशन का एक भी काम नहीं होता है, उसके समर्थन हम भी कर रहे हैं। जो चीज हम आपके माध्यम से आपके चैनल के माध्यम से बोल दुर्भाग्य है वो भी, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, जबकि हमारे धामी धामी आगे बड़े भाई हैं, ये तो मेरे साथ में भी फोटोग्राफर अच्छा नहीं हुआ। देखो ऐसा है कि हमारे गांव में सरकार ने पूरी व्यवस्थाएं कर रखी है, पूरी हर जगह अच्छी व्यवस्थाएं, लेकिन आज मोदी जी ने अच्छी व्यवस्था कर रखी है, लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम आज प्लानिंग कर रहे हैं कि मतलब एक वहां जा रहा है यहां जा रहा है। गवर्नमेंट ने इतनी व्यवस्थाएं कर दी सरकारी स्कूलों में कि हर चीज की व्यवस्थाएं सब बढ़िया है, लेकिन यह दुर्भाग्य हमारा कि हमने क्या लगा कि हमें प्राइवेट में ले जाने अपने बच्चे, वो हमारा दुर्भाग्य है। दुर्भाग्य क्या चल रहा है, धन्यवाद। थोड़ा सा बात करेंगे, तो आप भी थोड़ा सा बताइए थोड़ा सा अपने बारे में कुछ। मैं पूर्व जिला पंचायत में यहाँ का, और मुझे तो ये कहना है कि हम लोग उस फोकस में नहीं चलते हैं जो हमारा विकास जहाँ से होना है। सही बात है। सबसे पहली बात यह है कि हम जो है बात करते हैं बड़ी बड़ी, हम जो है तो केंद्र तक जाते हैं मोदी जी को पूछते हैं, और स्टेट में जाते हैं तो राजा स्टेट का जो हमारा योगी जी है या जो है वहाँ पूछते हैं। हम ये नहीं देखते हैं कि हमारी महिलाएं जा रही है कितना जो है, तो मतलब हमको किसी प्रकार का जो है कष्ट उठाना पड़ता होगा हमारी महिलाओं को, और हम अपने विकास जो निजी विकास होता है जो छोटा विकास होता है उस पर हम कभी फोकस नहीं करते। हमें चाहिए शिक्षा स्वास्थ्य दिमाग खराब है ये सब सड़क ये जो हम अब हम आज तक हमारी सड़क यहाँ तक आ गई है तो हम चैन से आ तो रहे जा तो रहे ये चीजें होती है। अच्छा स्वास्थ्य में भी गड़बड़ी है, शिक्षा में भी गड़बड़ी है, हम चाहे कितना भी बोले लेकिन मेन मुद्दा यह है कि हमारी शिक्षा भी अभी तक दबी हुई है, स्वास्थ्य भी अभी तक दबा हुआ है। हमारे प्रधान जी हैं यहाँ पे और सभी लोग, ये हमारे ग्राम गैर से प्रधान है, तो भैया बताइए थोड़ा गांव के बारे में। गांव के बारे में, गांव में सबसे पहले तो पलायन की स्थिति ज्यादा बढ़ गई है, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा पलायन हो रहा है, जबकि उत्तराखंड में शिक्षा स्वास्थ्य की काफी व्यवस्थाएं हो चुकी है जब से मोदी जी ने उत्तराखंड के लिए बहुत प्रयास किया है, और उत्तराखंड में शिक्षा की व्यवस्था, लेकिन लोग इस समय समझ नहीं पा रहे हैं कि शिक्षा की व्यवस्था आज हमारे यहाँ पे रौनद में भी बहुत अच्छी व्यवस्था हमारी यहाँ पे बन रखी है, राजकीय इंटर कॉलेज भैंतला खाल में भी रौनद में भी आज शिक्षा की बहुत अच्छी व्यवस्था है, यहाँ ऐसे अच्छे 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 टीचर आ रखे हैं जो कि बहुत विद्वान टीचर हैं, लेकिन हम गार्जियन लोग फिर भी लोग पलायन कर रहे हैं। लोगों को हमें अपने आप अपने बच्चों को देखना चाहिए कि कितना हमारा बच्चा पढ़ाई कर रहा है कितना नहीं कर रहा है, जागरूक होना चाहिए, क्योंकि प्लेन्सों में तो लोग ट्यूशन लगाते हैं, यहाँ पे माँ बाप का भी फर्ज होना चाहिए, जबकि हमारा राजकीय इंटर कॉलेज रौनद में बहुत अच्छे टीचर आ रखे हैं, यहाँ के प्रिंसिपल भी हैं, मैं शिक्षक अभिभावक संघ का वहाँ का अध्यक्ष भी हूँ, और मैं जो बराबर यहाँ पे अपनी ड्यूटी देता हूँ, कोई बच्चा कोई घंटी गोल ना करे, कोई टीचरों के साथ दुर्व्यवहार ना करे, तो हम बराबर यहाँ पर समय पर यहाँ पर आ जाते हैं और समय से अपनी ड्यूटी यहाँ पे निभाते हैं, और फिर भी लोग हमारे जो अपने अपने बच्चों के लिए हम यहाँ पे कुछ कर नहीं पा रहे हैं, जबकि हमारे बच्चे बहुत अच्छे टैलेंट भी हैं, हमारे बच्चे पढ़ भी सकते हैं, हमारे बच्चे आगे कोई प्रोत्साहन भी कर सकते हैं, और यहाँ पे जो भी कृषि जैसे व्यवस्था है, कृषि भी यहाँ पे अगर कोई मेहनत करे तो काफ़ी कुछ हो सकता है, लेकिन मेहनत करने की थोड़ी बहुत ज़रूरत है। साथ में यहाँ पे हमारा स्टूडियो भी है और वैष्णवी फोटो स्टूडियो भी है, यहाँ पे हमारा सीएससी सेंटर जी बहुत बड़ी चौमन फेमस है, जब लड़कियाँ से आते हैं तो बहुत बड़ी
ड्यूटी रहती है, इसलिए मैंने शोभा जगुड़ी जी को आज बुलाया है यहाँ कि हमारे भद्रा घर में आओ, हमें कभी दर्शन दो अपने। हाँ नमस्ते भैया, कहाँ पे आपकी शॉप? ये मेरी शॉप है। अच्छा, जब हम थे यहाँ, जब हमने यहाँ से शिक्षा ग्रहण की थी तब भाई की शॉप नहीं थी, तो हम किसी और दुकान से खाते थे कि हम भी उस चीज के बहुत दीवाने रह चुके हैं, हम भी बहुत खाते थे। सभी का शौक है, आजकल तो ये जंक फ्रूट्स बहुत फेमस हो चुका है। दुकान पे जरूर आना और भाई की दुकान पे जरूर आना, और भाई जी बहुत अच्छी बनाते हैं। फिलहाल मैंने अभी खाई नहीं है, लेकिन मैंने जो सुना इनके बारे में बहुत अच्छी बात है, आप लोग आना जरूर। हमारे भारतीय जनता पार्टी के मीडिया प्रभारी जी हैं अनिल भंडारी जी। अभी मैं मीडिया प्रभारी बाद में हूँ, पहले भारतीय जनता पार्टी का सेवक हूँ। ये हमारे प्रधान खतवा से हैं, उनके मसाले इतने फेमस हैं कि देहरादून, जयपुर, दिल्ली, राजस्थान जगह रहते हैं। इसीलिए मैंने आज शोभा जगुड़ी को यहाँ बुलाया है। शोभा जगुड़ी जी, हमारी भी कहीं बातें आगे जानी चाहिए, हम लोग भी फेमस जा रहे हैं, और हम प्रधान से मिलने जा रहे हैं। और प्रधान मसाले वाले बहुत फेमस है, ये हमारे बड़े भैया ग्राम बैंतला के पूर्व प्रधान जी। और इतना सुना इतने फेमस है कि हम भी हरिद्वार में यहीं से लेके जाते हैं, और मेरे भैया लोग को पंजाब तक लेके जाते हैं। और आप लोग भी इनकी दुकान पे जरूर आए, इनकी दुकान का मसाला लेके जाइए, बहुत अच्छा है। तो भैया उसमें पता नहीं कौन से राज की बात है जो इतना स्वादिष्ट मसाला। सबके सामने तो उजागर नहीं होता वो चीजें, आप पूछो। बहुत अच्छी बात है, फेमस है वो तो ग्राहक बताएगा क्यों फेमस है। धन्यवाद बड़े भैया, बहुत बहुत धन्यवाद, हमें अपना 2 मिनट का कीमती समय हमें दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप हमारी दुकान में पधारे हैं, थोड़ा शोभा जी इधर देखो, जबुड़ी नाम से, तो ध्यान रखना, इनका चैनल है, जरूर कर लेना, वो यूट्यूब पे करोगे शोभा जबुड़ी करेंगे। ये आपकी शॉप है, ये कॉस्मेटिक है शायद? अच्छा अच्छा, चलो तो ठीक ठाक चल रही है। अच्छा अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग कहाँ से हैं और ग्राम गहरी से हूँ, मायका है मेरा। अच्छा, मेरा मैं बोली हरिद्वार में रहती हूँ। अच्छा अच्छा, और मेरा एक चैनल है यूट्यूब में शोभा जगुड़ी ब्लॉग के नाम से, तो आप थोड़ा सब्सक्राइब कर लेना। और ये भाई की यहाँ पे शॉप है, कॉस्मेटिक शॉप है, तो आप लोग यहाँ पे जरूर आइए और भाई की दुकान से खरीदारी कीजिए। बने और सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा जो है कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और इसको शेयर भी करें, ताकि जो हमारी ये बहन है अपने जो कामयाबी की ओर बढ़े। धन्यवाद। और ये जो है शोभा जगुड़ी को जो है भेंट दी जा रही है, ये भेंट की जा रही है हमारी तरफ से, मायके की तरफ से जो है शोभा जगुड़ी के लिए भेंट है कि आपका चैनल जो है बहुत ऊंचाई तक जाए, बस। और हम सब की जो है करें, सरकार तक भी पहुंचे, सभी लोग जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद शोभा जी, भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करें और शेयर जरूर करें, ये जरूर करें। शोभा जगुड़ी, शोभा जगुड़ी, सब्सक्राइब करें शोभा। कर रहे हैं, बाय बाय, सी यू। यहाँ पे मिल चुके हैं अभी हमारे सर, जहाँ की ये इंटर कॉलेज में पढ़ाते हैं सर, और मैंने इनसे ही शिक्षा ग्रहण की है, और हमारे बहुत पुराने सर हैं, पैनोली सर हैं। तो सर मेरे चैनल है शोभा जगुड़ी ब्लॉग के नाम से, तो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, धन्यवाद आपका, क्योंकि आपके दर्शन हुए हमें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ ठीक है। गाइज, इस ब्लॉग को मैं फिलहाल यहीं पे एंड करती हूँ, चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय।